राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना इलाके में एक युवक की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सनी नाम के युवक की उसी के घर के अंदर घुसकर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। दो से तीन की संख्या में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक सनी अपने कुछ जानकारों के साथ गया हुआ था, जहां उसका झगड़ा हुआ। पहले तो उन लोगों ने उसी जगह उसको बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद सनी आकर अपने घर की छत पर सो गया। कुछ ही देर बाद दो से तीन की संख्या में लड़के घर पर पहुंचे, जहां उसे जान से मारने की धमकी देने लगे और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जैसे ही उन लोगों ने जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे मैं आया था मतलब गेट से, तो गेट का अंदर से लॉक था, तो ये थोड़ा सा दरवाज़ा टूटा हुआ था नीचे से, तो उससे एंट्री की थी। तो देखा तो यहाँ पे मतलब चाची थी हमारी, और बिल्कुल खून में लथपथ थी वो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रही थी वो। उनके पास जाके देखा तो थोड़ी सांस थी, तो मैंने नीचे आवाज़ दी सबको, फिर जल्दी से ऊपर आया, फिर उनको हॉस्पिटल ले गया। रात में 2:30 बजे आया, हम तो सो रहे थे तो हम अंदर थे। मैं 6 बजे ड्यूटी जाता हूँ, मेरी मम्मी थी उनके साथ, उसी साथ थी, 3 साल लड़के ने मारा उसको, वो आके छत पे सो गया। फिर वो दो लड़के फिर आए रात में, धमकी उमकी दे रहे हो उसको बाहर निकालो, ये हुआ है, उसको बाहर निकाला। फिर मेरी बहन थी, वो बोली कि, फिर मैं बहन को उल्टा सीधा बोलने लग गया कि नहीं नहीं उसको अंदर घुसने लगे वो दरवाज़ा तोड़ के, तो बहन को अंदर भगाने लगे। फिर मैं उठ के आया, मैं भाई सुबह बात करेंगे, अभी तुम चले जाओ। जैसे ही वो निकले, जैसे ही वो पहले ही उसको मार रखा था, वैसे ही उसने दम तोड़ दिया छत पर। फिर उसके बाद पुलिस वुलिस को फ़ोन किया, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई, कई तरीके की वो लेके गए कार्रवाई की, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों और परिवारों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जाँच कर रही है।